वेलकम बैक एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम जोशीमठ। तो हम रुके थे यहाँ GMVN में। तो जोशीमठ में दो दिन यार बहुत मज़ा आ गया, काफ़ी अच्छा स्टे रहा यहाँ पे। मनिंदर हमारे साथ में, मनिंदर जी बढ़िया यार, क्या सरकार ने इतना कुछ बना रखा है, सुविधाएं उठाएं कि अच्छा लगा यार, काफ़ी अच्छा स्टे था। एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पे भी मतलब गवर्नमेंट बेस्ड जो GMN है, क्योंकि फर्स्ट टाइम स्टे किया मैंने GMN में, बट यहाँ वाला जोशीमठ वाला तो अल्टीमेट मज़ा आ गया। यहाँ से हम निकलेंगे बद्रीनाथ के लिए, यहाँ से ज़्यादा नहीं है, 40 किलोमीटर्स के राउंड है, 40 प्लस है ना, 40 प्लस, हाँ 40 प्लस है। यहाँ से निकलते हैं, मिलते हैं आपको बाइक पे। चलिए फिर, वी आर गुड टू गो। ओके भैया जी, तो ये रहा अपना जोशीमठ। यहाँ पे एक चीज़ रिकमेंड करूँगा, इधर पे जस्ट कॉर्नर पे है, क्या था, बावर्ची, हाँ बावर्ची एक रेस्टोरेंट था, अल्टीमेट भाई। दो दिन तो हमने यही मज़े किए हैं, और चीज़ें भी एक्सप्लोर करी, बट जो खाना अच्छा लगा वो इसी जगह अच्छा लगा। यहाँ पे है अपना गुरुद्वारा, ये जो ऊपर वाला रास्ता है, कल हम गए थे ओली की साइड, यहाँ से गए थे, अभी हम जा रहे हैं टूवर्ड्स बद्रीनाथ गोविंद घाट। तो गोविंद घाट एक्चुअली जो वो पॉइंट है जहाँ से अगर स्ट्रेट जाओगे तो बद्रीनाथ आ जाता है, और वहीं से एक टर्न आता है जो जाता है टूवर्ड्स हेमकुंड या वैली फ्लावर्स के ट्रक के लिए। वेलकम टू गढ़वाल स्काउट्स। तो जोशीमठ है सेंटर गढ़वाल स्काउट्स का, यहाँ से मुझे लग रहा है कैंट एरिया स्टार्ट हो गया है। यप, देखने से पता चल जाता है कैंट एरिया का। थोड़ा नीचे आते ही हमें मिलेगा ये पेट्रोल पंप, भरवा लेते हैं, टंकी फुल ही रखते हैं हम तो भरवा लेते हैं। हल्की सी भीड़ दिख रही है यार, टाइम वेस्ट हो जाएगा बस। भीड़ काफ़ी क्राउड मिल रहा है। जय प्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड का स्वागत करते हैं। यहाँ से बद्रीनाथ दिखा रहा है 35 और गोविंद घाट 10। ओके, लास्ट टाइम जब मैं आया था तो ये रोड बिल्कुल नहीं बनी हुई थी, अभी तो बढ़िया मस्त चकाचक बन गई है। इसको पीछे छोड़ें ज़रा, वरना भैया जी तो बहुत ज़्यादा धुआँ छोड़ रहे हैं। लीजिए, ये आ गए हम लास्ट प्रयाग। तो ये है यहाँ पे लास्ट प्रयाग जिसका नाम है विष्णु प्रयाग। यहाँ पे मिलती है अलकनंदा और दूसरी नदी का नाम मैं भूल गया हूँ। तो कुछ पैचेस को छोड़ के बढ़िया रोड बन गई है, लास्ट टाइम तो ये पूरा ऑफ रोड था। तो गुड गोइंग। अपने को क्या है, ऑफ रोड टायर्स होने का ये फायदा रह जाता है, चढ़ा दो बस। घांगरिया 13 किलोमीटर, फूलों की घाटी 17 किलोमीटर और हेमकुंड 19 किलोमीटर। तो ये सब उधर की साइड है, आगे से टर्न आएगा वहाँ के लिए, और बद्रीनाथ निकल जाएगा सीधा 25। तो मैं वेट करता हूँ मनिंदर का थोड़ा, 2 मिनट वो आए फिर आगे चलें। लीजिए, ये वो टर्न है, यहाँ से नीचे को जाओगे आप तो वैली ऑफ फ्लावर्स और हेमकुंड आ जाएगा। अभी हम सीधे निकल रहे हैं बद्रीनाथ की साइड। जब गजब नजारे, ओ, 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 ओ,
भाई साहब लास्ट में तो बहुत, लास्ट के 10 किलोमीटर से तो ऑफ रोड ही करते हुए आ रहे हैं हम लोग। क्या तेरे को बाइक धोने थी, क्या कह रहा है? क्या कह रहा है, बाइक धोने थी तेरे को? भाई हम नहीं जा सकते यहाँ से, उधर से काटूंगा मैं। देखिए कितना ही भीगेगा, इधर से कहाँ काटूंगा, बजरी है यहाँ दोस्तों। ये गाड़ी वाला आ रहा है और ये देखिए दोस्तों, ये है वाटर स्लाइडिंग। ओहो पेट्रोल में पानी ऐसे मिलाते हैं। अच्छा मौका है, पीछे बस भी आ रही है भाई। अच्छा मौका है बाइक वॉश करने का। अरे बाइक वॉश करने का निकालो तुम्हारे पीछे। अरे बस भी आ गई भाई। अरे भाई बस गया भाई मैं तो। जाओ भाई तुम भी जाओ। अरे कहाँ रहेंगे भैया। चलिए जी, यहाँ पे था चेक पोस्ट एंट्री के लिए। पहली बार लिया है बाइक वाले ने, मतलब बाइक से 10 रुपये पर बाइक। वो सामने जो आपको दिख रहा हो वो मंदिर है। तो हम एंटर कर चुके हैं बद्रीनाथ में। अरे हमको नहीं पता था कि बद्रीनाथ में पेट्रोल पंप है। तो अभी हम सोच रहे हैं पहले होटल ले लें, होटल को प्रायोरिटी रखते हैं, होटल मिल जाए फिर उसके बाद घूमते हैं। फिर चलिए सीन कुछ बना नहीं है बद्रीनाथ में, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। हमने कम से कम 15-20 देख लिए होटल। वेलकम बैक एवरीवन। तो लीजिए लास्ट धाम भी कवर करने का टाइम आ गया है। तो हम पहुंच गए हैं बद्रीनाथ। अब देखो नीचे ये है कौन सी नदी, अलकनंदा, और ऊपर आप देखेंगे वहाँ पे है अपना बद्रीनाथ। तो आइए जल्दी से दर्शन करके आते हैं बद्रीनाथ धाम के। हम वैसे कल रात को आ गए थे क्योंकि वैसे घूमते घूमते आए थे, तो कल रात को बहुत ही प्यारा व्यू था रात का। तो रात को वैसे दर्शन कर लिए थे, अभी तो मुझे लगता नहीं दर्शन करने का टाइम मिलेगा। क्यों? क्योंकि काफ़ी लंबी भीड़ है। आप मनिंदर जी दिखाएंगे, दिखाओ ज़रा लाइन दिखाओ। वो साइड पे जा रही है, यहीं से जाना है उधर और लाइन के एंड में आपको लगना है। तो काफ़ी क्राउड है, तो अभी तो दर्शन नहीं हो पाएंगे, लेकिन ये है कि हमने कल रात को दर्शन कर लिए थे। वो वीडियो दिखाता हूँ मैं आपको। लीजिए फिर बद्रीनाथ के साथ हमारे चार धाम के दर्शन हो गए पूरे इस साल के। तो बढ़िया रहा यार, 9-10 दिन हो गए हमें घर से निकले हुए और अच्छे से चार धाम के दर्शन हो गए। और क्या था फिर, सब कुछ सीखने को मिला बहुत कुछ। वो तो हर बारी वैसे लर्निंग रहती है ट्रैवल में, लेकिन इस बार भी ठीक है, कुछ चीज़ें फेस करी हैं, कुछ चीज़ें लर्निंग में रही हैं अपनी। बढ़िया सरा, मनिंदर से पूछता हूँ मनिंदर का एक्सपीरियंस कैसा रहा। मनिंदर जी बहुत बढ़िया रहा यार, चार धाम की यात्रा सफल हुई एक बार में। सोचा नहीं था कि एक ही बारी में मौका मिल जाएगा चारों धाम कंप्लीट करने का, लेकिन काफ़ी अच्छा रहा। टाइमिंग हमारी सही रही, मौसम ने हमारा साथ दिया। यमुनोत्री से शुरू किया, गंगोत्री गए, फिर केदारनाथ भी हो गए और अब बद्रीनाथ ये कवर किया हमने। वही अच्छा रहा, काफ़ी अच्छा रहा, हमारी लर्निंग्स काफ़ी रही। हर ट्रिप में कुछ ना कुछ नई लर्निंग्स रहती है, नई चीज़ें सीखने मिलती हैं, नए लोगों से मिलने मिलता है, हर जगह लोगों से कुछ नई बातें सीखने मिलती हैं। और इतनी रिमोट जगहों पे ये है, यहाँ तक पहुँचना ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और यहाँ पे गवर्नमेंट सर्विसेज और कुछ कुछ चीज़ों का सहूलियतें बढ़ती जा रही हैं, अच्छी बात है। यात्रियों के लिए काफ़ी सहूलियतें आ रही हैं धीरे धीरे। बस वही है रिक्वेस्ट कि लोग आएँ तो कचरा ना फैलाएँ और गंदगी ना करें। वो हमने हर जगह देखा है, वो एक नीड भी है लोगों की कि कुछ चीज़ें नहीं उठा सकते, वो कैरी करते हैं, बट ट्राई करें कि डस्टबिन तो फेंकें। वो सब चीज़ें मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी सबसे। बाकी सब बढ़िया रहा और यहाँ के नज़ारे अगर देखोगे तो देखते ही बनते हैं, मतलब मन ही नहीं कर रहा है कि आज मौसम खुला है वैसे, लेकिन
यार मज़ा ही आ गया, क्या ही नज़ारे हैं ये। तो बस अब यहाँ से हमारा सफ़र आगे कहीं जाएगा, अब देखते हैं कहाँ चलेगा हमारा सफ़र। चलिए अब आपको मिलते हैं हम अगले सफ़र पे। चलिए जी, बढ़िया से हो गया है। अब आई होप आपको ये जो पूरे चार धाम के व्लॉग्स थे पसंद आए हों, अच्छे लगे हों। इसके बाद हम यहाँ से निकल रहे हैं बद्रीनाथ से, आगे कहाँ निकल रहे हैं वो बताएंगे आपको अगले व्लॉग में। चलिए फिर निकलते हैं यहाँ से।